हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे वेरी कॉमनली यूज्ड स्लोगन्स, वो स्लोगन्स जो जगह जगह रास्ते में लिखे होते हैं और बहुत कॉमनली लिखे होते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि इन स्लोगन्स का मीनिंग क्या है, लेकिन कई बार कुछ स्लोगन्स ऐसे होते हैं जो सबको नहीं पता होते, या फिर इनमें बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं इंग्लिश में हैं, तो जिनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है उनको भी पता नहीं होता, तो वो समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है, या फिर अगर पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा है तो उनको नहीं पता चलता कि इसका मीनिंग क्या है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत सिंपल वे से लिखी है और बहुत ही ईजीएस्ट वे से मैं समझाने वाली हूँ। आवर फर्स्ट स्लोगन इज़ बी वेयर ऑफ डॉग्स। कई बार देखिए घर के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, या फिर किसी कॉलोनी के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स। उस कॉलोनी या उस घर में आप डायरेक्ट गेट अगर खुला भी हो तो आप अंदर एंट्री ना करें, क्योंकि इसका मीनिंग है कुत्तों से सावधान। उन्होंने ऐसे कुत्ते रख रखे हैं जो एकदम आप पे अटैक्स कर सकते हैं, जो उनके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। आवर सेकेंड स्लोगन इज़ बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ये ज़्यादातर बसेस में, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर या फिर पब्लिक एरियाज़ में लिखा होता है। इसका मीनिंग होता है जेब कतरों से सावधान, कि वहाँ भीड़ भाड़ का एरिया है तो हो सकता है कि कोई आपकी जेब काट दे, कोई आपका पर्स चुरा ले, या जो भी है तो अपने सामान की रखवाली खुद करें। आवर थर्ड स्लोगन इज़ डायल 101 फॉर फायर सर्विस। अगर कभी भी कहीं आग लग जाती है और बहुत फैलने लग जाती है और हम लोगों से जनरली कंट्रोल नहीं होती, तो अग्नि सेवा के लिए हमें क्या डायल करना है, 101। फायर ब्रिगेड वाले आएंगे और उसको प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो डायल 101 फॉर फायर सर्विस। आवर फोर्थ स्लोगन इज़ डोंट पुट गार्बेज हेयर। ये ज़्यादातर पब्लिक एरियाज़ में लिखा होता है, पार्क्स में लिखा होता है, गार्डन्स में लिखा होता है कि कूड़ा इधर उधर मत फेंकें या फिर यहाँ ना फेंकें। तो वहाँ पे आपको कूड़ा नहीं फेंकना है। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उस टाइम के लिए अपने पर्स में रख लीजिए और जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दीजिए, या फिर अगर वहाँ आसपास कोई डस्टबिन दिखे तो उसमें ही डालिए, सड़क पर कूड़ा ना फैलाएं। वैसे भी अब तो स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिन लोगों ने ये आदत अभी भी नहीं छोड़ी है सड़क पर कूड़ा फैलाने की, प्लीज़ छोड़ दीजिए, डस्टबिन में ही कूड़ा डालें। आवर फिफ्थ स्लोगन इज़ डोंट वॉक ऑन द ग्रास। घास पर मत चलें। ये ज़्यादातर गार्डन्स में लिखा होता है जहाँ पे न्यू ग्रास उगाई जाती है, तो उनका मोटिव होता है कि ग्रास पहले अपनी शेप में आ जाए प्रॉपर, एंड उसके बाद ग्रास पे आप लोग चलें। या फिर कई जगह होता है कि वो ग्रास पे चलने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि यू नो ब्यूटी ख़राब होती है गार्डन की। बहुत ही जो अच्छे गार्डन्स हैं उनमें लिखा होता है, तो उसमें अगर आप ग्रास पे चलेंगे तो आपको यू नो एकदम कोई ना कोई डांट देगा कि यहाँ नहीं चल सकते। वो बोर्ड नहीं देखा आपने, तो अगर आपने बोर्ड देखा है तो आप समझ जाइए कि आपको ग्रास पे नहीं चलना, ओनली फुटपाथ पे चलना है। एंड सिक्स्थ स्लोगन इज़ डॉक्टर इज़ इन प्लीज बी सीटेड। अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हैं और ये लिखा होता है डॉक्टर इज़ इन प्लीज बी सीटेड, इसका मीनिंग यह है कि डॉक्टर अंदर ही हैं, कृपया बैठ जाइए, ठीक है, यानी कि बैठ कर कुछ देर वेट कीजिए, डॉक्टर अंदर हैं, मे बी वो बिज़ी हैं कुछ अपने वर्क में, या मे बी ही इज़ बिज़ी विद हिज पेशेंट्स, तो आप बाहर बैठिए और वेट कीजिए। आवर सिक्स सेवन स्लोगन इज़ गेट योर टिकट्स फ्रॉम द काउंटर। ये ज़्यादातर बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशंस पर लिखा होता है, जहाँ से भी हमें टिकट्स लेनी होती है, जैसे ज़ू हो गया या फिर कोई म्यूज़ियम हो गया, तो उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपको टिकट्स लेनी है तो आप खिड़की से लीजिए, ठीक है। आवर एट्थ स्लोगन इज़ गो स्लो। रास्ते में लिखा होता है गो स्लो, जहाँ आगे कोई सड़क में प्रॉब्लम होती है, कोई स्कूल होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो वहाँ लिखा होता है गो स्लो। या तो आप अपने व्हीकल को धीरे चलाइए, और अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो साइड में चलिए, चारों तरफ देख के चलिए और आराम से चलिए, दौड़िए नहीं वहाँ पर। नाइन्थ स्लोगन इज़ कीप लेफ्ट, बाएँ चलें, ठीक है। टेंथ स्लोगन इज़ नो एडमिशन। नो एडमिशन मीन्स अंदर आना मना है, किसी भी कॉलोनी के बाहर, किसी भी ऑफिस के बाहर,
किसी भी घर के बाहर अगर ये लिखा है तो आप परमिशन लेकर ही अंदर जाएं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। आवर 11th स्लोगन इज नो पार्किंग। अगर कहीं पर भी ये स्लोगन लिखा है तो आप अपने व्हीकल्स वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। अगर आप तब भी वहाँ पार्क कर देंगे, अगर आपने इग्नोर कर दिया या फिर आपको नहीं पता कि नो पार्किंग का मतलब क्या है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हो उनके जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिले। तो अगर कहीं पर भी ये बोर्ड लगा है नो पार्किंग, तो अपने व्हीकल्स वहाँ बिल्कुल ना खड़े करें। एंड 12th इज़ नो स्मोकिंग। जहाँ पर भी लिखा है नो स्मोकिंग, ये ज़्यादातर पब्लिक एरियाज़ में, बसेस में, ट्रेन्स में या फिर कई जगह ऐसी जगह में लिखा होता है जहाँ पब्लिक होती है, तो वहाँ नो स्मोकिंग का मतलब है धूम्रपान करना मना है। मींस अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ में ही उस धुएं से औरों की हेल्थ को भी इंजरी होती है, औरों की हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे एरिया में स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अब वैसे तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बट पब्लिक एरियाज़ में बिल्कुल ना करें क्योंकि औरों की हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट स्लोगन है नो थ्रू फेयर। यह आम रास्ता नहीं है। मीन्स आम रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल्स कॉमनली नहीं जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने, तो वो लोग अगर ये बोर्ड देखते हैं तो उस पर विज़िट ना करें, अदरवाइज़ उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, उन पे कोई जुर्माना लग सकता है या फिर कोई भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में अगर वो कहें कि हमने बोर्ड देखा नहीं या फिर बोर्ड पढ़ के हमें समझ नहीं आया, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ओके, एंड आवर 14, वन वे एंट्री। यह रास्ता एक तरफा है। एक तरफा रास्ते में आप सावधानी से चलें क्योंकि आमने सामने दोनों तरफ से व्हीकल आएंगे और लोग भी, तो वन वे एंट्री में आपको आराम से चलने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दी से चलेंगे तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। 15, स्टिक नो बिल्स। ये ज़्यादातर दीवारों पर लिखा होता है एंड इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर इश्तिहार लगाना मना है। जब हम पोस्टर्स लगाते हैं किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग या किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो क्या होता है कि जहाँ पर भी दीवारें दिखती हैं पोस्टर लगाने वाले फटाफट पोस्टर लगाते चले जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो। लेकिन जिस दीवार पर लिखा है स्टिक नो बिल्स, वहाँ पर पोस्टर भूलकर भी ना लगाएं। ओके, आवर 16 स्लोगन इज पब्लिक कन्वीनियंस, यानी कि जन सुविधा के लिए। जहाँ पर जन सुविधा के लिए बोर्ड लगाएं वहाँ पर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये बस कहाँ जाएगी, ये बस नंबर कब आएगी, कौन सी ट्रेन किस टाइम आएगी, अपने जनरल क्वेरीज पूछ सकते हैं उस एरिया के रिगार्डिंग। आवर 17 इज़ प्लीज़ फॉर्म एस क्यू। ये ज़्यादातर वहाँ लिखा होता है जहाँ बहुत सारे लोग एक ही पर्पस के रिगार्डिंग होते हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि आप एक लाइन में बने रहें, और आप वहाँ लाइन में बने रहेंगे तो ईजिली आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ बहुत ही होच पोच हो जाएगा। एंड आवर 18 स्लोगन इज़ प्लीज़ डोंट टच। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टच करना अलाउड नहीं होता। ये म्यूज़ियम में लिखा होता है कि किसी चीज़ को टच ना करें, दूर से देखें। गार्डन में फ्लावर्स के रिगार्डिंग लिखा होता है, और भी कई जगह लिखा हो सकता है। तो उन चीज़ों को अगर आप टच करेंगे तो जगह जगह कैमराज होते हैं जिसकी वजह से आपको जुर्माना पे करना पड़ सकता है। कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो आपको उसका अमाउंट पे करना पड़ सकता है, जो कि जैसे कि म्यूज़ियम में बहुत ही प्रीशियस चीज़ें होती हैं, तो केस भी हो जाता है। तो जहाँ लिखा है प्लीज़ डोंट टच, उन चीज़ों को दूर से ही देखें, बिल्कुल भी आप टच ना करें। आवर 19 स्लोगन इज़ प्लीज़ डिपॉजिट योर थिंग्स हेयर। अपना सामान कृपया यहाँ जमा करवा दें। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर सामान अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपना सारा सामान जमा करा के एक टोकन ले लेना होता है, एंड उस टोकन के अकॉर्डिंग जब आप वहाँ से बाहर आते हैं तो आपको आपका सामान मिल जाता है। तो उसमें आप सामान लेकर एंट्री करेंगे तो कोई ना कोई आपको बोल देगा कि आपने ये बोर्ड नहीं देखा। तो अगर आपने ये बोर्ड देखा है तो सामान अपना डिपॉजिट करवाइए। आवर 20 एंड लास्ट स्लोगन इज़ प्लीज़ चेक योर चेंज बिफोर लिविंग द काउंटर।
अगर आप काउंटर पे कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसके बाद आप रिसीव कर रहे हैं बचे हुए पैसे, तो अपने चेंज को काउंट कर लें काउंटर को यानी कि खिड़की को छोड़ने से पहले, क्योंकि अगर आप दोबारा आएंगे और बोलेंगे कि आपने हमें कम पैसे दिए तो यू नो वो बिलीव नहीं करेगा। तो काउंटर को छोड़ने से पहले अपने वापसी के पैसे काउंट करके ही काउंटर को छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप, ताकि मैक्सिमम लोगों को इन स्लोगन्स के बारे में पता लग सके। बाय, हैव अ गुड डे।